भगत सिंह की माता हो के मतना निर्भये री मां मतना निर्भये तुझको रोती देखी आत्मा मेरी भी दुख पावेगी मेरी भी दुख पावेगी शहीद आजम की सरागनी पर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आदरणीय श्री वेदपाल जी जो हमारे भाई योगेश जी के पूज्य पिताजी हैं, बाबूजी ने कल भी बड़ा मान सम्मान किया था, आज भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और ठाकुर साहब मानोवास से कालिया का सॉरी चलो पड़ोसी पड़ोसी है, कोई ज्यादा दूरी ना है, लंबी चौड़ी बात ना नजदीक ही कह दी, उन्होंने भी कल भी बड़ा मान सम्मान किया था, आज भी मान सम्मान किया है 100 रुपए से, धन्यवाद। और भाई स्वराज खटाना जी जो काफी समय भी हमें दिया और दान भी गौ माता के लिए दिया, वो विदा लेते हुए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे बीच में जी पंडित जी चौधरी समय सिंह भाटी साहब, जी हाँ आदरणीय बाबूजी समय सिंह भाटी साहब जो किसान मोर्चा के हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक बार तालियां बजा के स्वागत करिए यहाँ पहुंचने पर, भाटी जी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हैं। जी पंडित जी योगेश शर्मा जी आपका एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने माइक से क्या बुलंदाबाज निकलती है आशा करता हूँ। आइए किस प्रकार से एक माँ अपने बेटे को कैसे ताकत देती है, क्या कहती है राधा चौधरी के द्वारा। Thank you.
भगत सिंह ने कह दिया, अरे माँ मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं ना तो गुनहगार हूँ और ना ही गद्दार हूँ। कह दिया कि माँ कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। कह दिया कि माँ मर तो सकता हूँ लेकिन उन अंग्रेजों के सामने झुकूंगा नहीं। दो लाइनें और एक कवि ने लिखी, अगर अच्छी लगे तो जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा। लिख दिया किस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, किस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, अब तो हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। भगत सिंह ने कह दिया माँ माफी नहीं मांगूंगा और तू मेरी बात जरा ध्यान से सुन, जब मैं मर जाऊं ना तो तुझे मेरी लाश लेने के लिए आना है और ना ही अपनी इन आंखों से आंसू बहाना है। दूसरी कली में नहीं कह दिया सिर्फ माँ लोग कहेंगे इसका बेटा देश के हित खा गया फांसी, देश के हित खा गया फांसी। हेर नाम अमर मेरा हो जावे लाल बने तेरा विनाशी, पूजे धाम हमेशा तेरा बन जागा मथुरा काशी, ये बन जागा मथुरा काशी। बेटा हूँ, इस देश को आजाद कराना है श्रोताओं। जब बहुत दुख होता है, जब इस देश के अंदर बहुत गलत गलत कार्य होते हैं, गलत कार्य क्या होते हैं? कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जो बॉर्डर पर जो फौजी हमारी रक्षा करते हैं उन फौजियों के ऊपर कुछ हम जैसे गद्दार लोगों ने पत्थर फेंके थे, सुना था? कुछ ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा क्योंकि कुछ लोग न्यूज देखते भी नहीं है। आइए श्रोताओं, ये बताया गया कि जो इस देश की रक्षा करते हैं दिन रात बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, कश्मीर के अंदर जाकर के देखिए आज कितनी बर्फ पड़ रही है, बर्फ के अंदर वो लोग खड़े रहकर के अगर वो बॉर्डर पर हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो आज हम भी सुरक्षित अपने आप को नहीं मान सकते। श्रोताओं, ये बताया गया कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त भेड़िया डाली है और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है, कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त भेड़ियां डाली है और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। अरे बहुत हो गया साहब, इन घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो और जो सेना पर पत्थर फेंके उन्हें लाल किले पर लटका दो, लाल किले पर लटका दो। ऐसा ऐसा मेरे इस भारत देश के अंदर हो रहा है, तसल्ली जब होगी इस दिल को, जब उनका भी हाल बुरा होगा। भगत सिंह ने न्यू कह दिया, अरे माँ ये बताइए रागिनी के शब्द तो समझ में आ रहे हैं सभी के? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तीसरी कली में क्या समझाया। तेरारी
उस माता की सेवा करना फर्ज बने से मेरा री, फर्ज बने से मेरा री। हेरे मेरी आहूति की अग्नि से हो जा दूर अंधेरा री, हो जावे आजाद देसिये सुख का बने सवेरा री, सुख का बने सवेरा री। माता हो के मतना नीर बहइए माँ, मतना नीर बहइए माँ। भगत सिंह ने समझा दिया अपनी माँ को और अंतिम कली में क्या लिख दिया जरा सुनिएगा। हेरा एक भगत सिंह के मरने ते, एक भगत सिंह के मरने ते, चल चिंता में मत कीजे, कई लाख भगत सिंह तेरे उनते बेटा कह लीजे, उनते बेटा कह लीजे। हे रयो धाका दे मर्यादा करते फाटा जिगर मात सीजे, सबके दिल में हेरा सबके दिल में बस्या भगत सिंह न्यू दुनिया ते कह दीजे, न्यू दुनिया ते कह दीजे। माता हो